प्रोफाइल पिक बदली है ट्विटर पर, शिंदे ने ट्विटर पर फोटो बदली है, वो फोटो के बड़े मैसेज है भाई। बाला साहब के साथ अपनी फोटो लगाई, वो तस्वीर अगर हम दिखा दे भाई, बाला साहब ठाकरे, क्योंकि वो कह रहे हैं असली शिवसेना तो मेरी है भाई, बाला साहब की शिवसेना तो मेरी है, ये लड़ाई ठाकरे वर्सेस ठाकरे, अब बाला साहब वाली शिवसेना मेरी है। शिंदे ने ट्विटर पर फोटो ये देखिए, आप तस्वीर देखिए बहुत ध्यान से, ये ट्विटर पिक बदल दी है, शिंदे बैठे हुए हैं नीचे, बाला साहब ठाकरे ऊपर बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके पैरों पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, ये प्रोफाइल पिक अब बदल दी है। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि ये हिंदुत्व की घर वापसी हो गई है। देखिए सियासत में, संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास में कई सरकारें आई कई सरकारें गई, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर संभवतः पहली सरकार कोई गई है, पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुत्व के मुद्दे पर पहली बार कोई सरकार गई है। ये तस्वीर देखिए जो एकनाथ शिंदे ने डाली है प्रोफाइल पिक, बहुत ध्यान से देखिए, शिंदे ने प्रोफाइल तस्वीर बदल दी और इसी के साथ सियासत भी बदल दी। महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी खबर, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की घर वापसी, बाला साहब ठाकरे के साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी स्टूडियो में एंट्री लेते हुए, तस्वीर उनको मैं दिखा रहा हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, विक्रम सिंह जी है, शिवसेना का पक्ष रखेंगे भैया। तस्वीर क्या क्या बता रही है तस्वीर, विक्रम जी पहले तो आप शिंदे सेना से हैं, उद्धव सेना से हैं, अब आप किसका पक्ष रखेंगे ये अगर आप बता दें तो मैं सवाल उस हिसाब से पूछूंगा, आप किस तरफ हैं सर विक्रम जी? एक ही सेना है, शिवसेना, बाला साहब और उद्धव ठाकरे की सेना, मैं उसके साथ। तो वो तो अब एक ही सीएम किसका है, फिर सीएम किस पार्टी का है? सीएम तो अब बीजेपी से पूछ ये बात, तो बीजेपी बताएगी या सैनिक सीएम है, उद्धव जी ने कहा था शिंदे सीएम बने तो मैं खुश होऊंगा, आप शिवसैनिक सीएम बनने से खुश नहीं है? वो तो उद्धव जी बना ही रहे थे, तो फिर नहीं, आप शिवसैनिक सीएम बनने से खुश नहीं है क्या? नहीं, वो तो उद्धव जी बना रहे थे तो क्यों नहीं बन रहे थे तब? क्या था उद्धव जी बना, बीजेपी ने बना दिया, ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक शिवसैनिक सीएम बना है, बीजेपी ने किस तरीके से बनाया, जोर जबरदस्ती करके, ब्लैकमेलिंग किस तरह से अगवा करके, किस तरीके से बनाया, बस करिए भाई, 37 विधायक हंसी, अभी भी वही घिसा पिटा रेडियो चल रहा है आपका विक्रम जी। अवन जी आप कितना भी बीजेपी के लिए वो कर लो, देखो मुझे एक चीज बताओ, जिनकी कम सीटें हैं वो उप मुख्यमंत्री, जिनकी ज्यादा है वो उप मुख्यमंत्री, जिनकी कम है वो मुख्यमंत्री, ये क्या बेमेल का? ये अब याद आ रहा है 55 सीटों वाला मुख्यमंत्री आपने बनाया था भाई, क्या हो गया, भूल गए क्या? 55 सीटों वाला मुख्यमंत्री उद्धव जी, कितनी सीटें थी आपके पास महाराष्ट्र विधानसभा में, कितनी सीटें थी? 55 थी शायद, तब 55 सीटों वाला मुख्यमंत्री हो सकता है, तो 37 वाला नहीं हो सकता? नहीं इतना नहीं, जब इतना बड़ा दिल दिखाना था तो उसी टाइम बनाने थे ना, उद्धव जी को बना देते, तो ये शिंदे को बना देते उसी टाइम, पद के चक्कर में धोखा दिया था बीजेपी को। अच्छा, तो क्योंकि सीएम पद नहीं मिला था इसलिए धोखा दिया था? नहीं, हमें पद के लालच नहीं है, ये तो बीजेपी को लालच, तो कह रहे हैं उस वक्त बना देते तो नहीं छोड़ते। अरे तो भाई मैं शिंदे की कह रहा हूँ कि शिंदे जी को उस टाइम बना देते, किसने रोका था? अगर ये इतना बड़ा दिल अब दिखा रहे हैं, खुश हैं, ज्यादा सीटें रख करके अभी खुश है विक्रम जी, मुख्यमंत्री असली शिवसेना का है सबको पता है, अब आप खुश हैं, आप शिवसैनिक मुख्यमंत्री है भाई, शिवसैनिक मुख्यमंत्री किस मुंह से विरोध करेंगे, शिवसैनिक तो जश्न मना रहे हैं सड़कों पर। जो कोई भी गद्दार करेगा वो शिवसैनिक, जो गद्दारी करेगा वो शिवसैनिक नहीं हो सकता। अच्छा, जो परिवार वही परिवार, बाकी सब गद्दार, ये लोकतंत्र में इतनी दयनीय स्थिति है, मतलब जो परिवार परिवार करेगा वही परिवार, बाकी सब गद्दार, सारे गद्दार, सिर्फ एक परिवार, यही हर पार्टी में, यही हर पार्टी में परिवार। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे दो आदमियों की चले वो परिवार से कम है क्या? वो तो परिवार से भी वहाँ कौन सा परिवार, किसका परिवार भाई? मैं तो आपके परिवार की बात कर रहा हूँ, आप तो सबको परिवार बता रहे हो, जहाँ पे सिर्फ दो लोगों की चले विक्रम जी, सिर्फ दो ही लोगों की चले वो परिवार से विक्रम जी कम हुआ? विक्रम जी आप शिवसैनिक है, आप शिवसैनिक है? मैं शिवसैनिक हूँ। आप शिवसैनिक है, अब अगर पार्टी शिंदे जी के पास है और उस शिवसेना के मुख्यमंत्री है तो आप कह रहे हैं मैं उनके साथ नहीं हूं, तो आपकी तो पहचान ही खत्म हो गई, फिर अब आप किस हैसियत से जुड़े, मतलब आप शिंदे सेना के प्रवक्ता हैं या उद्धव सेना के? अरे भाई ऐसी ऐसी पहचान खत्म करने का तो बहुत बार लोगों ने कोशिश करी, लेकिन प्रोफाइल पिक देखिए बाला साहब के साथ है भाई, प्रोफाइल पिक देखिए उनकी, बाला साहब ठाकरे के साथ है, जबरदस्त। अरे भाई जबरदस्ती कोई कहेगा कि नहीं, हाँ हम तो बाला साहब के, अरे भाई कौन सा काम किया बाला साहब ने, जो गद्दार करी, जिन्होंने गद्दारी की उनको उनको बाला साहब ने कभी नहीं अपनाया,
कैसे कह सकते हैं ये बाला साहब की वो है? गद्दारी बाला किसने की है सर? सिद्धांतों पे चलते थे, गद्दारी हिंदुत्व के साथ किसने की है ये तो जनता ने बताया ना सर। किसने की? ये तो हिंदुत्व रिटर्न है, ये तो हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की घर वापसी है, जिसकी सनातन उसकी सत्ता है, ये तो जिसकी सनातन है उसकी सत्ता, यही बहुत बड़ा मैसेज है विक्रम जी। अमन जी ये गद्दारी तब नहीं हुई थी जब हनुमान चालीसा पर देशद्रोह लगाया गया था, ये गद्दारी तब नहीं हुई थी जब महाराष्ट्र में साधुओं की लिंचिंग हुई थी और क्या हुआ था, ये गद्दारी तब नहीं हुई थी, क्या आप गद्दारी हुई है क्या? अमन जी मुझे ये बताओ कि शिवसेना ने कौन सा हिंदुत्व छोड़ा है, आप अपनी ईमानदारी से बता दो एक बार, और बीजेपी ने कौन सा हिंदुत्व? ये सर तब छोड़ दिया जब जब हनुमान चालीसा पर देशद्रोह लग गया, जब हनुमान चालीसा पर देशद्रोह लग गया। मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री घर में पढ़ोगे, जहां पढ़नी वहां पढ़ो जाकर के। मुख्यमंत्री किसने पढ़ी, कहां पढ़ी? पढ़ी नहीं, पढ़ी ही नहीं, वो तो घर से नहीं निकली है, पुरानी डिबेट लेकर आ रहे हैं, बस करिए, वो हो गया साबित, वो साबित हो गया। अब असली शिवसेना कौन? हिंदुत्व की घर वापसी, हिंदुत्व सरकार, हिंदुत्व रिटर्न, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जिसकी सनातन उसकी सत्ता, चैप्टर क्लोज। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अब एक मिनट में गौरव भाटिया, अच्छा एक मिनट गौरव भाटिया बोलेंगे, गौरव 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 ठीक है, एक मिनट रुकिए विक्रम जी, एक मिनट रुकिए गौरव भाटिया, ये तस्वीर है स्क्रीन पर, शिंदे जी एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के पैर छूते हुए जमीन पर बैठे हैं, ये तस्वीर। तो अब मतलब कुछ नहीं बदला है, सरकार शिवसेना की ही है, सिर्फ चेहरा बदला है, आप ये कह रहे हैं? ये तो बीजेपी ने एक मोहरा ढूंढा है, शिंदे जी तो मोहरा है, उनके कंधे पे बंदूक रख करके। चलिए बस बस विक्रम जी, बस बस विक्रम जी, हो गया, अब हो गया सर, अब फायदा नहीं है रोने धोने से। चलिए आप बोलिए गौरव जी। नहीं नहीं, हम क्यों रोएंगे, ये तो शिंदे जी को पता चलेगा कि बीजेपी क्या हाल करेगी, जैसे बंगारू लक्ष्मण का किया, वही हाल शिंदे जी का करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया, अब आप बोलिए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया अमन जी, देखिए जब शपथ ग्रहण हुआ, बाला साहब ठाकरे जी का नाम लिया गया, अपने गुरु आनंद दिगे जी का नाम लेके शपथ ली, और हर हर महादेव के नारे से पूरा जो वहां पे भवन था वो गूंज रहा था। और इसलिए इनको दर्द हो रहा है क्योंकि ये नारे लगाते हैं सोनिया माता की जय। मैं तो आज गर्व से एक बात कहूंगा कि तीन बड़े संदेश गए हैं। पहला संदेश, जनता का हित सर्वोपरि है। दूसरा बड़ा संदेश, हिंदुत्व की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व के साथ खड़ी है, यही हमारी विचारधारा है। और तीसरी बात, देवेंद्र फडणवीस जी का कद और बढ़ गया है। ऐसे एक मिनट में शांत करा रहा हूं उनको, विक्रम जी आप बीच में बोलने से क्या फायदा, अब तो गई सरकार, अब सुनिए, सुनने का टाइम है, आराम से। अब आप जब आप बोल रहे थे उन्होंने सुना था, सुनना चाहिए, बोलिए। अब आप गौरव जी, बीच में कोई नहीं बोलेगा भाई, ऐसे नहीं डिबेट होगी, बोलिए आप गौरव। अमन जी, तीसरा बड़ा संदेश जिस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा, हम लोग तमाम डिबेट में जाते हैं और एक बात हमेशा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है देश सर्वोपरि है, फिर दल है, फिर मैं व्यक्ति हूं। आज उसको चरितार्थ किया है देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने बताया महाराष्ट्र की जनता के लिए मैं समर्पित हूं, मेरी पूरी आस्था पार्टी में है और अगर मुझे निर्देश दिया गया है तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। बताइए गौरवान्वित होगा कि नहीं व्यक्ति? हर भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता गौरवान्वित है। तीसरी बात, देखिए खोया क्या है शिवसेना ने आज अपना एक मुख्यमंत्री पाया, लेकिन विडंबना यह है कि उद्धव ठाकरे खुश नहीं है, और विडंबना यह भी है कि जब उद्धव ठाकरे जी ने कल अपना त्यागपत्र दिया तो हिंदुत्व की जीत हो गई। आप बताइए बाला साहब ठाकरे जी ने कभी यह सोचा होगा कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा और उद्धव ठाकरे निराश होंगे और उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे और हिंदुत्व की जीत होगी? ये केवल इसलिए हुआ अमन जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने देखा किस तरह से वीर सावरकर जी को गाली दी जाती थी। राहुल सावरकर नहीं हूं मैं, राहुल गांधी हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। किस तरह से बाला साहब ठाकरे जी की अपना वक्तव्य, वो कहते थे मैं दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, उसकी अनदेखी की गई। आज भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे बड़ा दल है महाराष्ट्र में, उसने सिद्ध किया कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम सेवा करने के भाव से महाराष्ट्र में कार्य करेंगे और इतिहास रचेंगे।
हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे ये मास्टर स्ट्रोक आपको लग रहा है, क्योंकि मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रहा था, आप थोड़े इस फैसले से थोड़े आहत हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये फैसला ठीक नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता मतलब ये मास्टर स्ट्रोक है या नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मास्टर स्ट्रोक है। अब अगर कुछ भी हो जाए उसके बाद मास्टर स्ट्रोक कहने की परंपरा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे इस जो घटनाक्रम हुआ हर्षवर्धन त्रिपाठी को दो हिस्सों में देखना चाहिए। अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र में हासिल किया है उसको कैसे देखें, तो उसको दो हिस्सों में देखिए। पहला हिस्सा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और वो अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया जो लगभग असंभव दिख रहा था, और बहुत शानदार तरीके से रणनीतिक बढ़त बनाते हुए शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को धूल धूसरित कर दिया। सत्ता की ऐसी मुश्किल हो गई कि उद्धव ठाकरे के लिए तो पार्टी भी संकट में आ गई। यहां तक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार काम किया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, हालांकि मैं ये मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उनके पास एक बड़ा नेता था। महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार यह था, ये अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर तय किया कि हिंदुत्व की राजनीति की अगुआ पार्टी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस को, और वो भी जेपी नड्डा जी लाइव कह रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि आप बन जाइए, इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने कहीं इस फैसले को लेकर मुश्किल है। जो देवेंद्र फडणवीस लग रहा था कि एकनाथ शिंदे के ऊपर उनके हाथ रख के बैठे हुए हैं, लगा कि नहीं, अरे ये तो इनके नीचे आकर डेप्यूटी बन रहे हैं। मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर बहुत गलत फैसला और बहुत खराब फैसला लिया, वो भी तब जब इतनी बड़ी जीत हासिल की। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैसेज भी तो गया कि भाई पद का लालच नहीं दूंगा और कुछ प्लैंड नहीं था। प्लैंड होता तो फडणवीस मुख्यमंत्री होते, निश्चित कुछ प्लैंड नहीं था। नंबर एक, नंबर दो, पद का लालच नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर अगर ये आप करते कि फडणवीस कोई किसी पद पे नहीं जाते तो बिल्कुल ये होता कि पद का लालच नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने मना किया था, फिर मना किया था, और फिर अमित शाह जी ने बोला, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ये मोरल बूस्टअप होता कि उनका नेता खड़ा होकर कहता कि ठीक है, हम इस सरकार को चलाएंगे, पूरी निष्ठा से चलाएंगे, लेकिन नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर या उप मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया, वो भी नड्डा जी को सार्वजनिक कहना पड़ा, अमित शाह जी को ट्वीट करना पड़ा, और कहा जाता है कि उसके बाद भी समझाना पड़ा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और आप बीजेपी के मोरल्स को देखिए, जो वर्कर हैं, जो अभी एक घंटे पहले तक की जो बातचीत थी, एक घंटे बाद जो उनके विधायक हैं, जो उनके नेता हैं, उनकी बातचीत देखिए तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। हाँ, उन्होंने ट्वीट करा है देवेंद्र फडणवीस ने कि प्रमाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं, जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। ये उन्होंने अमित शाह जी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि प्रमाणिक कार्यकर्ता के नाते मैं पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं, जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है।